तो गाइस मेरे पास में यहाँ पर एक टीन देख सकते हैं आप। तो गाइस मुझे ज़रूरत है इस टीन को बीच में से कट करने की, लेकिन इसको काटने के लिए मेरे पास कोई भी टूल मौजूद नहीं है। मेरे पास में यहाँ पर केवल एक अनार बॉम्ब। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या हम इस अनार बॉम्ब की सहायता से इस टीन को बीच में से कट कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि गाइस जब भी अनार बॉम्ब जलता है तो इसका जो टेम्परेचर है अंदर का वो ज़्यादा है करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस अनार बॉम्ब की सहायता से इस टीन को कट कर पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो टीन है वो पहली बार में तो इससे नहीं कटी है। तो देखते हैं इसमें कुछ हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस अभी तो हमारी जो टीन है वो इससे नहीं कटी है, तो चलिए आप दूसरी बार में ट्राई करते हैं कि दूसरी बार में ये टीन कट पाती है या फिर नहीं। तो गाइस इस बार मैंने क्या किया है, इस बार इस अनार को रखा मैंने इस टीन के नीचे, क्योंकि पिछली बार हमने ऊपर रखा था तो ऊपर से तो इसमें कोई भी छेद नहीं हुआ था। तो चलिए इस बार मैं इसको नीचे से आग लगाता हूँ। ओह माय गॉड, तो गाइस आप देख सकते हो कि इस बार हमारी जो टीन है उसमें छेद हो चुका है, तो ये वाकई में काफ़ी गर्म हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो टीन है उसमें यहाँ पर छेद हो चुका है, ये कट तो नहीं पाई बट इसमें छेद हो चुका है। तो ऑलराइट गाइस आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो जो हमारा अनार होता है उसमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहले आ रहे हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।